तो दिवाली के धमाके के साथ टाइगर 3 थिएटर्स में लग चुकी है, लेकिन क्या पिक्चर वो धमाका क्रिएट कर पाएगी जो आप अपने पटाखों के साथ रात में करोगे? नहीं, वो वालो धमाका शिट। मैं बात कर रहा हूं अपने भाईजान की नई पिक्चर टाइगर 3 के बारे में, जो यशराज वालों के स्पाई यूनिवर्स की कहानी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन क्या ट्रूली ये पिक्चर वो काम कर पाती है? तो एक एक करके हर एक चीज पे बात करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद द मूवीज प्लॉट। नहीं, कोई स्पॉयलर्स वगैरह की बात नहीं होगी। बेसिक प्रीमाइस के बारे में अगर बात करी जाए तो मूवी का सब कुछ बेसिकली उसका प्लॉट ही है। मूवी में हमको टाइगर की कहानी दिखाई जाती है स्टार्टिंग से ही। टाइगर और जोया बेसिकली अपने पास से जूझने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान हाशमी के फॉर्म में उनकी जिंदगी में आता है, क्योंकि उन्होंने उसकी लाइफ को किसी ना किसी वे में इन्फ्लुएंस किया है और अब वो उस चीज का बदला उनसे लेने की कोशिश कर रहा है। अब इन्होंने इमरान हाशमी की लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया था, कैसे उसे अफेक्ट किया था, और अब इमरान हाशमी उन चीजों का कैसे इन लोगों से बदला ले रहा है, ये सारी चीज आपको पिक्चर देखकर ही समझ में आएगा। लेकिन मैं बस आपको इतना बता देता हूं कि जो मैंने आपको बताया है ये पूरी पिक्चर भर हमको दिखाया जाता है। मतलब पूरी पिक्चर का पहला सीन स्टार्ट होता है इसी प्लॉट को एक्सप्लेन करने से लेकर एंड तक को यही चीज बताने की कोशिश करी जाती है। अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हो कि मूवी के अंदर आपको धूम धड़ाका एक्सप्लोजन बम पटाखे वगैरह देखने को मिलेंगे तो वहां वो हैं, लेकिन अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि इतने ज्यादा मात्रा में भी नहीं, क्योंकि मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत ज्यादा प्लॉट को सेटअप करने में निकल जाता है और सेकंड हाफ में जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो भी ये प्लॉट पे ही काम करते करते उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, बिकॉज इमरान हाशमी एक ऐसा विलन है जो साइकोलॉजिकल लेवल पे ज्यादा प्ले करता है रादर देन हिम गिविंग अ फिजिकल चैलेंज टू टाइगर। और क्योंकि प्लॉट इसका इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो प्लॉट की ही बात कर लेते हैं। तो प्लॉट को जिस तरह से लिखा गया और मूवी में जिस तरह से सेटअप करने की कोशिश करी गई है वो ठीक ठाक है। I mean, जैसे हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पठान देखी थी तो उसका प्रिमाइस हमको समझ में आ रहा था कि एक डबल एजेंट ट्रिपल एजेंट वाले काम चल रहे थे, मतलब ये उसको धोखा दे रहा है वो इसको धोखा दे रहा है, लेकिन यहां पर चीजें कुछ अलग तरीके से सेटअप करी जाती है, चीजों को थोड़ा सा पर्सनल दिखाया गया है एंड दैट इज व्हाट द बेसिक प्रिमाइस ऑफ द मूवी इज, व्हिच आई थिंक एक एक्सटेंड तक समझ में आता है। लेकिन जब यही चीज थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होने लगती है तो मैं बीच बीच में कहीं कहीं पे जोन आउट होने लग गया था। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो ना कि हर बार ये लोग इंडिया पाकिस्तान कर देते हैं तो इस बारे उन्होंने कुछ फ्रेंड क्या है, इस बारे उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान किया, बिकॉज हम लोग भूल जाते हैं लेकिन हमारे तारा सिंह के अलावा एक और पाकिस्तान का दामाद भी तो है। फिर इसके बाद अगर मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो मूवी के फर्स्ट हाफ में भले आपको इतना देखने को ना मिले, लेकिन सेकंड हाफ में इन्होंने अच्छा खासा एक्शन डाला हुआ है एंड वो एक्शन मुझे ठीक ठाक सा लगा। कहीं पे चौपी है, कहीं पे अच्छा है, कुछ स्लो मोशन शॉट्स इन्होंने लेने की कोशिश करें, जैसे एक शॉटगन वाला पर्टिकुलर सीन आता है, मतलब उस सीक्वेंस को देखकर समझ में आता है कि हां, देयर इज समथिंग न्यू जो इन्होंने इस पिक्चर में किया है। लेकिन उसके अलावा जहां पे भी आप देखते हो तो आपको से बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं लगता। लेकिन हाँ, मैं ये चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि यशराज वालों के VFX कंपनी ने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, क्योंकि पठान के जो VFX थे उससे इस मूवी के VFX काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव फील होते हैं। लेकिन फिर डायलॉग चॉइसेस बड़े इंटरेस्टिंग सी हैं, क्योंकि कहीं पे भाईजान बोल देते हैं कि ये कैच छूट गया तो मैं अपने देश कभी वापस लौट नहीं पाऊंगा स्टार्टिंग में ही, जबकि वो पूरी पिक्चर भर अपने देश लौटते नहीं है। लेकिन हाँ, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया। हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि टाइगर का बैकग्राउंड स्कोर पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी पिक्चर है उनमें सबसे ज्यादा आइकॉनिक है और आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपके दिमाग में अचानक से ही वो आके बजने लगता है। तो इन लोगों ने इस पिक्चर में उस पर एक थोड़ा सा रीटेक लेने की कोशिश करी है एंड दैट समहाउ वर्क्स। प्लस इन लोगों ने जो इमरान हाशमी के कैरेक्टर को बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो भी काफी अच्छा है। स्पीकिंग ऑफ विच, मैं आ जाता हूं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे। तो फाइनली सलमान भाई को इतने टाइम बाद अच्छे सीरियस एक्शन पैक्ड रोल में देखकर अच्छा लगा एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी कि वो अपने रोल्स को फिर से सीरियसली ले रहे हैं, किसी का भाई किसी की जान और राधे जैसे नहीं। तो कैटरीना ने एज जोया भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जितना मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफी अच्छा। लेकिन इस पूरी पिक्चर की स्पॉट लाइट इमरान हाशमी हर किसी के ऊपर से निकाल के ले गए, क्योंकि द मोमेंट ही एंटर्स द स्क्रीन वो सब कुछ छीन लेते हैं। या ही इज जस्ट दैट गुड, एक रिवेंज ड्रिवन पावर हंग्री मेगालोमेनियक टाइप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड ही एब्सोल्युटली फिट्स इनटू इट। जिस तरह से उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस कन्वे करे हैं और जिस तरह से उनको भाईजान के सामने प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि भाईजान की पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी बंदा अगर उनके सामने आता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से स्क्रीन कैप्चर कर लेते हैं और सामने वाले को मौका नहीं मिलेगा अपनी पर्सनालिटी दिखाने का। बट इमरान हाशमी हैज डन द ऑपोजिट, क्योंकि जब वो स्क्रीन पे होते हैं तो आपका ध्यान किसी और पे नहीं जाएगा एंड यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ हिम। फिर इसके बाद अगर मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ज्यादा अलग कुछ भी नहीं करती है। मूवी की एक सीक्वेंस है जिसको मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, उसमें रेड लाइट का यूज किया गया है, जो लोग देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा एंड दैट वाज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। मुझे लगा कि वहां पे रेड लाइट बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कैरेक्टर्स को। तो या अगर आप
टाइगर थ्री देखने जा रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है। सबसे पहले मूवी प्लॉट हैवी है, मतलब प्लॉट ड्रिवन है। मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी स्पेशली फर्स्ट हाफ में, तो इसीलिए एक्शन बूम आप एक्सपेक्ट मत करना। और इसी वजह से काफी लोगों को मूवी स्लो फील हो सकती है, मुझे पर्सनली भी स्लो फील हुई। मूवी में काफी सारा स्पाई स्टफ एक्सप्लेन किया गया जो जनरली स्पाई यूनिवर्स की पिक्चरों में और जेम्स बॉन्ड की पिक्चरों में, मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज में होता ही है। इंडिया, पाकिस्तान, देश वगैरह ये सब चीजें आपको मिलेंगी इस पिक्चर में। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन तक रुकना मत भूलना, इसके बारे में अलग से बात करी जाएगी। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप लोगों ने मूवी देख लिया तो मुझे बताना मत भूलना कि आपको कैसी लगी। तो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पर आप अप करेंगे, पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, फ्लिकवर्स पे नए हो सब छोड़ दे रहा हूँ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज अ वेरी हैप्पी दिवाली।